कनेडियन खबरनामा दे विच वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। ओंटारियो यूनिवर्सिटी की कौंसल ने कहा कि फैडरल सरकार वालों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के कैप लाने तो बाद अगले साल उन्होंने करोड़ों डालर का नुकसान होगा। फैडरल इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने जनवरी में कनेडा के अंदर पोस्ट सैकेंडरी संस्थावां विच जाण वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिणती सीमित करन दे नवे नियमों का ऐलान किया। साढ़े कोल असल विच जहाज़ नू क्रमबद्ध करन लई 2 साल ने, एक गड़बड़ एक बिट अते इस नू लगाउण दा समां, ये मार्क मिलर वालों कहा गया सी। ओंटारियो यूनिवर्सिटी वाधे लई तैयार पर कहा कि देश विच आउण वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिणती लई जिम्मेवार नहीं हन। ओंटारियो यूनिवर्सिटी के कौंसल के प्रधान अते सीईओ स्टीव ओरसीनी ने कहा है कि असी जिम्मेवार सी, असी अपने दाखले दे वादे दा बहुत ध्यान नाल प्रबंध कीता है। साढ़े कोल रैप राउड सेवा ने, साढ़े कोल आचार संहिता सी। सारी यूनिवर्सिटियां ने यह यकीनी बनाने लई सहमति प्रगटाई कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी इत्थे आउण ते उन्हां दा समर्थन प्राप्त। नीति बारे होर वेरवे ऐलान पिछले महीने किए गए। फैडरल सरकार ने अगले 2 सालों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की सीमा नूं लगभग 50,000 तक घटा दिता सी। वाटरलू यूनिवर्सिटी के फिलफ्रेड लॉरिया यूनिवर्सिटी के गुएलफ यूनिवर्सिटी ने गोल्फ की यूनिवर्सिटी ने पिछले साल करोड़ों डालर का नुकसान की रिपोर्ट की है। ये नवी कैप सिर्फ उन्होंने वित्तीय संघर्षों वाधा करती है। ओंटारियो यूनिवर्सिटी ने अगले साल होर नुकसान होने की उम्मीद का खादसा प्रगटाया। ओंटारियो यूनिवर्सिटी पिछले साल के मुकाबले 300 मिलियन के माली घाटे का सामना करना उन्होंने पै रहा, जो अगले साल 600 मिलियन तो वध हो जाएगा। ये साढ़े सैक्टर से डूंगा प्रभाव है, ओरसीनी ने दसी है। वो सरकार यूनिवर्सिटियां के दबाव हटाने दी योजनावां ते मुड़ काम कर इस दी बजाय समस्या पैदा करने वाली चीज़ों पर ठल पाउण, बुरे लोगों को ध्यान हित करना जिथे केंद्रित करन दी गल कीती उत्थे ही उपवां ते निशाना बनाओ। इस दी लोड़ तो वध ये यकीनी बनाओ कि असीं दुनिया भर में सब तो वधिया चमत्कार लुभाउण वाले बन सकते हैं। सानू अपनी आर्थिकता नूं वधाउण विच मदद करन लई उन्हां हुनरां दी लोड़ है। तो हुण वेखणा होवेगा कि इस वड्डे घाटे तो बाद इन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच की कुछ नवा निकल के सामने आएगा।